सो व्यूअर्स, हमें दूसरी सुजुकी बोलान मिल चुकी है। बेसिकली आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हालत में है। और इसका मैं आपको मॉडल बताऊँ तो 2006 मॉडल है, और बाहर से पूरी शावर है, अंदर से पूरी जेनवन है। अगर इसकी बात करी जाए, सेफ्टी गार्ड आपको यहाँ पर लगे देखने को मिल जाते हैं, साइडों पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको कैमरा मैन दिखाया तो सेटों की कंडीशन कुछ इस तरह से आपको देखने मिल जाती है। कहीं पर मतलब कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, कोई भी स्क्रैच आपको देखने नहीं मिलता। अगर बैक की इसकी बात करी जाए तो बैक कंडीशन भी आप देख सकते हैं, बैक कंडीशन कुछ इस तरह से आपको देखने मिल जाती है, काफ़ी बेहतर और अच्छी हालत में बेसिकली। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर दिखाया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हालत में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर से हाजिर है आपकी खिदमत में एक न्यू लॉग लेके। आज का हमारा बेसिकली जो टॉपिक है हाई रूफ पे, बेसिकली आजकल काफ़ी पसंद करी जा रही है। हाई रूफ कम बजट में भी आपको देखने मिल जाती है। अगर यहाँ की बात करी जाए लोकेशन की, तो लोकेशन आपको ये नॉर्थ कराची यूपी मोड़ से आप जैसे यू टर्न लेंगे तो आपको जियो मोबाइल मार्केट वाला रोड, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप टर्न करेंगे तो आपको ये मार्केट देखने मिल जाएगी। संडे कार मार्केट के नाम से मशहूर है ये मार्केट। अगर मैं यहाँ की गाड़ियों की बात करूँ तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखने मिल जाती है। बेसिकली आज तो हमारा टॉपिक हाई रूफ पे, लेकिन आपको जिस तरह की गाड़ी चाहिए, आप जिस तरह की चाहते हैं तो उस तरह से आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। बजट वाइज और कंडीशन वाइज जिस तरह की आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगी। बाकी बढ़ते हैं आपको गाड़ियों की जानिब लेके चलते हैं। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहें। बाकी बढ़ते हैं गाड़ियों की जानिब। सो व्यूअर्स, हमें पहली गाड़ी मिल चुकी है। आप अगर कैमरा मैन दिखाएँ तो आपको ये इस कंडीशन में आपको गाड़ी देखने मिलती है। 84 का मॉडल है बेसिकली वो सुजुकी बोलान, और बाहर से हल्की फुल्की पहले टचअप हो चुकी है, लेकिन अभी भी टचअप की ज़रूरत है। जैसे आप देख सकते हैं इसके गार्डर्स वगैरह पे, आपको कैमरामैन गार्डर्स दिखा दे तो बाकी अंदर से भी आप कंडीशन वाइज देख सकते हैं। पहले गार्डर की कंडीशन आप देख लें, बाकी वो इस वाले गार्डर की भी आप देख लें, बाकी बाहर से अगर दिखाएं कैमरामैन तो साइड आप देख लें, काफ़ी अच्छी हालत में आपको देखने मिल जाती है। टायर की कंडीशन भी काफ़ी बेहतर है, 70-80% इसको ओके बोल सकते हैं टायर को। बाकी अगर बैक की बात करी जाए तो बैक की थोड़ी सी कलर कंडीशन ख़राब हो रही है। बैक साइड पर भी देख लें, बैक साइड पर देख सकते हो थोड़ी सी हल्का फुल्का कहीं टचअप है, ऊपर से कहीं से हल्की से ख़राब हो रही है, लेकिन वो बन सकती है अगर लेके बनवाना चाहते हैं। बाकी प्राइस वगैरह आप पूछ लेंगे भाई से क्या है। अगर आप इस साइड पे देख सकते हैं तो इस साइड पे की कंडीशन भी आप देख लें। बाकी अंदर से अगर इंटीरियर की बात करी जाए, इंटीरियर वगैरह भी काफ़ी अच्छी हालत में देखने मिल जाता है। तो इस तरह से कुछ इंटीरियर, पहले डोर की कंडीशन आप देख लें, डोर की कंडीशन कुछ इस तरह से मिलती है। बाकी सीट वगैरह की बात करी जाए, सीटों की कंडीशन भी काफ़ी बेहतर हालत में और अच्छी, मतलब साफ़ न्यू ट्रेंडिंग वाली बनी हुई है। और हैंडल की कंडीशन भी देख लें, बाकी आपको इसका मीटर भी दिखा दें तो मीटर देख लें कैसी है। बाकी बैक रूम की बात करी जाए तो बैक रूम आप देख सकते हैं, सीटों की कंडीशन, बैक रूम, पहले फर्श की कंडीशन आप देख लें, फर्श कुछ इस तरह से देखने मिल जाता है। बाकी सीट की कंडीशन देखें। बाकी चलते हैं ओनर की जानिब, आपको डिटेल बताते हैं क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, बेसिकली क्या हिसाब है। चलते हैं ओनर की जानिब। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह करम है सर। अपनी गाड़ी की कुछ डिटेल बताइएगा। डिटेल बस सर, क्या बताना इसकी, जो है आपने देख ली गाड़ी, मॉडल और बाहर से कोई 84 का मॉडल है, डिमांड हमने इसकी 3 रखी है, 3 लाख। अच्छा सर, इसमें कोई स्पीकर वगैरह सिस्टम कुछ लगा? सिस्टम वगैरह सब लगा हुआ है इसके अंदर, मगर एम अभी चोरी हो गया इसका। सही, बाकी तो सही, सब चालू। बाकी इंजन वगैरह से ओके? इंजन से ओके माशाल्लाह। बॉडी में काफ़ी सारा काम है तो बॉडी में थोड़ी बहुत टचिंग वगैरह है, आपने वो देख लिया होगा कि थोड़े थोड़े से पीस हैं वो। सर इसकी सीटें कब डलवाई हैं आपने? सीटें तकरीबन 4 से 5 महीने हुए। टायर की कंडीशन कैसी है? टायर भी 5 से 6 महीने हो गए, अभी डाले थे। अच्छा सर, फाइनल डिमांड बताइएगा। फाइनल डिमांड हमारी जो है ना 270 पे। 270 पे छोड़ किस पे देंगे? हाँ यार, इस पे छोड़ देना हमने कि भाई इतना प्राइस है। 260 आखिरी, 260 आखिरी। ओके सर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिएगा और ये बताइए गाड़ी कहाँ देखने मिलेगी। गाड़ी मलिर की है ये, मलिर कालापुर। सही, नज़दीक लियाकत मार्केट, अल साबिर शॉप है फोर्सलिंग की। सही, बस वहाँ आके रब्ता कर सकते। सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिए। 0312 जी, 331 जी, 8899। सही सर, सैयद दानिश के नाम से ही है। सही सही जी सर, कराची नंबर ही है? जी कराची नंबर। सर ये मतलब इसके CPLC वगैरह सब कुछ क्लियर होगा ना? सब क्लियर है, सब क्लियर। सही, ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, हमें दूसरी सुजुकी बोलान मिल चुकी है। बेसिकली आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हालत में है। और इसका मैं आपको मॉडल बताऊँ तो 2006 मॉडल है, और बाहर से पूरी शावर है, अंदर से पूरी जेनवन है। अगर इसकी बात करी जाए, सेफ्टी गार्ड आपको यहाँ पर लगे देखने को मिल जाते हैं, साइडों पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको कैमरा मैन दिखाया तो सेटों की कंडीशन कुछ इस तरह से आपको देखने मिल जाती है। कहीं पर मतलब कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, कोई भी स्क्रैच आपको देखने
में मिलता है। अगर बैग की इसकी बात करी जाए तो बैग कंडीशन भी आप देख सकते हैं, बैग कंडीशन कुछ इस तरह से आपको देखने मिल जाती है, काफ़ी बेहतर और अच्छी हालत में बेसिकली। और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर दिखाया जाए तो लेफ़्ट हैंड साइड भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हालत में, और कराची नंबर है, और टायर अलायरिंग वगैरह के साथ, टायर की अगर बात करी जाए तो अलायरिंग के साथ और काफ़ी अच्छी हालत में 80% ओके में देखने मिल जाता है। अगर इसके इंटीरियर की बात करी जाए तो आपको ड्राइवर साइड पर आपको ले कर चलते हैं, वहाँ से दिखाते हैं इंटीरियर। इसके इंटीरियर की बात करिए तो बेसिकली आप पहले डोर देख लें, डोर की कंडीशन आप देखें, डोर की कंडीशन आपको इस तरह से देखने मिल जाती है, और इसके फर्श वगैरह पहले आप देख लें, फर्श की कंडीशन, और मीटर आपको दिखाया जाता है कैमरामैन, मीटर आप देख लें। बाकी इसकी सीटें नहीं लगी हुई हैं, न्यू स्टाइल में लगी हुई हैं जो आजकल चल रही हैं, और इसके रूफ़ भी देख सकते हैं, रूफ़ की कंडीशन कुछ इस तरह से, रूफ़ की कंडीशन आप देख लें। बाकी आपको बैक रूम की कंडीशन भी दिखा देते हैं, बैक रूम की कंडीशन क्या है, बैक रूम की कंडीशन आप दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह से काफ़ी स्मूथली डोर ओपन है, बाकी इसके इंटीरियर देख सकते हैं आप, सीटें वगैरह काफ़ी खूबसूरत और अच्छी हालत में और कंफर्टेबल हैं काफ़ी सीटें, और फ़ैन आपको ऊपर लगे हुए देखने को मिल जाते हैं, फ़ैन वगैरह आपको लगे हुए मिल जाते हैं, और इसका फर्श भी आप देख सकते हैं, फ़र्श भी काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। बाकी चलते हैं ओनर की जानिब, आपको डिटेल बताते हैं कि क्या डिमांड कर रहे हैं, किस कंडीशन में CPLC वगैरह क्या क्लियर है, क्या इंजन में काम है। चलते हैं ओनर की जानिब। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर अपनी गाड़ी कुछ डिटेल बताइएगा। गाड़ी 2006 का मॉडल है, इसका रेट जो है 6,30,000 रुपये। 6,30,000। अच्छा सर मुझे इसकी बताइएगा CPLC वगैरह सब कुछ है गाड़ी के लिए। अच्छा सर इस मॉडल में AC तो नहीं आता? नहीं AC नहीं आया। AC नहीं आया। अच्छा सर इसकी मुझे कंडीशन बताएं, बाहर से ये बाहर से शावर, अंदर से फुल जेन्युइन है। सही, आपने इसकी सीटें वगैरह कब डलवाई है? ये अभी करवाई है, दो हफ्ते पहले जी। सर इसका मुझे पेट्रोल एवरेज बताएं, पेट्रोल एवरेज कैसी? लीटर में 10-12 देती है। इंजन से कैसी? इंजन से भी ओके माशाल्लाह। पहले कोई काम हुआ इंजन में? नहीं कोई काम नहीं हुआ, अभी इंजन बनाया रवा पे। टायर आपने इसके कब डलवाए? टायर डले हुए पहले से तकरीबन 6 महीने। 6 महीने हो गए, 80% ओके है। जी जी जी। सही सर इसकी मुझे फाइनल डिमांड बताएं। बिल्कुल फाइनल जो इसके दे दूंगा मैं 6 लाख रुपए में। 6 लाख रुपए बिल्कुल। सर ये बताइए अपनी गाड़ी कहाँ देखने मिलेगी? अपना कॉन्टैक्ट ये औरंगी टाउन पे मिलेगी आपको। अपना कॉन्टैक्ट नंबर 03128293380। नाम? अहमद रजा। ओके सर बहुत बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स हमें सेकंड थर्ड गाड़ी मिल चुकी है, आप कंडीशन वाइज आप देख सकते हैं बाहर से बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में बाहर से दी हुई है। अगर इसकी मॉडल की बात करी जाए तो 2019 से कंडीशन वाइज आप पूरी फुल जेन्युइन है, कहीं से आपको टचअप वगैरह कहीं पे भी आपको देखने नहीं मिलता। बाकी सेफ्टी गार्ड आपको देखने मिल जाते हैं, साइड वगैरह पर आप देख सकते हैं कहीं से आपको स्क्रैच वगैरह नहीं है, कुछ भी स्क्रैच नहीं है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी कंडीशन में। अगर छत की बात करी जाए तो छत भी आप देख सकते हैं ये ऊपर लगे हुए। बाकी अगर इसके टायरों की बात करी जाए तो टायरों की कंडीशन भी 80-90% इसकी ओके है अलॉय रिम के साथ। बाकी अगर इसके बैग की बात करी जाए तो बैग भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हालत में आपको देखने मिल जाता है। बैग भी आप देख लें जो कि आपको कुछ इस तरह से आपको देखने मिलता है, बैग आप देख लें। बाकी चलते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको कोई स्क्रैच वगैरह कहीं से भी नहीं देखने को मिलता। बाकी चलते हैं आपको इंटीरियर की जानिब, आपको लेके चलते हैं। सो बाकी इसके इंटीरियर पे आ जाते हैं, इंटीरियर की आप बात करी जाए तो इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत और न्यू स्टाइल में आपको देखने मिलता है। इसका हैंडल बार आप देख सकते हैं, हैंडल पहले आप देख लें फिर बाकी इसकी। अच्छा सीटें काफ़ी खूबसूरत और न्यू ट्रेंडिंग स्टाइल में जो चल रही है आजकल वो बनाई हुई है। बाकी इसके फर्श वगैरह भी दिखा दें, और वो आर्टिफिशियल घास वाला वो पैड लगाए हैं। बाकी इसके देख सकते हैं रूफ़ आप देख लें, रूफ़ की कंडीशन कुछ आपको इस तरह से देखने मिल जाती है। बाकी रूफ़ भी काफ़ी खूबसूरत बनाई हुई है। बाकी इसकी सीटें वगैरह तो आपने देख ली। बाकी चलते हैं आपको बैक रूम दिखाते हैं, बैक रूम की क्या कंडीशन है। चलती है तो लाइटें आपको यहाँ पर लाइटिंग वगैरह इसमें भरपूर आपको देखने मिल जाती है। बाकी इसका फर्श देख सकते हैं आप, इसकी बैक सीट आप देख लें। बाकी इसका फ़ैन वगैरह भी आपको इसमें अवेलेबल हो जाते हैं, फ़ैन आपको साइडों पे लगे हुए मिल जाते हैं। बाकी इसमें M वगैरह भी यकीनन लगा हुआ होगा। बाकी चलते हैं ओनर की जानिब, आपको डिटेल बताते हैं कि क्या डिमांड कर रहे हैं, को CPLC वगैरह क्या हिसाब है, टैक्स वगैरह अगर कोई हमारे व्यूअर्स देता तो क्या किस तरह से देखने मिलती है गाड़ी। सर हम ओनर की जानिब आ चुके हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर अपनी गाड़ी कुछ डिटेल बताइएगा। ये 19 का मॉडल है, 13 लाख डिमांड है। सही। बाकी बम्पर टू बम्पर CPLC वगैरह सब कुछ बताएं, CPLC वगैरह टैक्सेस सब क्लियर है? सर CPLC सारा क्लियर है, फाइल क्लियर है, फर्स्ट ओनर है। टायरों की कंडीशन मुझे बताएं, टायरों की कंडीशन कैसी है? सही है,
नाइस कंडीशन। ओके मतलब कब आपने डलवाया था इसके? ये 6 महीने हो गए। 6 महीने हो चुके। हाँ। अच्छा मुझे इसके वो एम वगैरह का बताएं, एम वो वगैरह कुछ लगा हुआ सिस्टम? सारा सिस्टम लगा हुआ है, एम बुफर सिस्टम वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। पेट्रोल एवरेज क्या दे जाती है सर? ये 15-16 तक। कराची नंबर है? कराची नंबर है सर। इसकी फाइनल मुझे डिमांड बताएं क्या कर रहा है? फाइनल ये 12.5 तक देनी है। फाइनल 12.5 जिसमें छोड़ने वाले पैसे होते हैं? बिल्कुल फाइनल 12.5। अच्छा सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिएगा और ये बताइए गाड़ी कहाँ देखने को मिलेगी? ये कॉन्टैक्ट नंबर है 0315-5826-926। और ये औरंगी टाउन बनारस में अवेलेबल है। ओके सर बहुत बहुत शुक्रिया। सो यूवर सर एक और गाड़ी मिल चुकी है सुजुकी बोलान, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कंडीशन आपको बाहर से देखने को मिल जाती है। इसका मॉडल की बात करी जाए तो 91 की मॉडल है, बाहर से पूरी बाहर अंदर बाहर पूरी से बनी हुई है पूरी, यानी कि कलर है। और इसकी बात करी है साइडों की तो साइड आप देख सकते हैं इसकी स्क्रैच वगैरह बहुत ही माइनर से, बहुत ही कम स्क्रैच वगैरह आपको देखने में मिलते हैं। और इसकी डोर की बात करी जाए पहले आप इसके पिलर दिखा दें, पिलर की कंडीशन और फ्रंट गेट की आपकी कंडीशन पहले इसकी दिखा दें ऊपर से पिलर वगैरह, बाकी आपको बैक से दिखाते हैं फिर आपको इंटीरियर दिखा देंगे। पहले आप बैक पर चलें तो बैक की कंडीशन की बात करी जाए तो आपको इस तरह से कंडीशन आपको देखने में मिलती है। यकीनन इसकी डिमांड भी जिस तरह से इसकी कंडीशन है तो डिमांड भी कम ही होगी, जो शौकिया लेके बनाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी गाड़ी बन जाएगी। लेकिन अभी भी ऐसी गाड़ी है लेके वो ओके गाड़ी है, लेके भी चलाने के काबिल है ये गाड़ी, वो काफ़ी बेहतर हालत में। और इसकी साइडों की बात करी जाए तो साइड वगैरह आप देख सकते हैं बहुत ही कम माइनस स्क्रैच जैसे मैंने आपको बोला, बाकी चलते हैं आपको इंटीरियर की जानिब आपको लेके चलते हैं। तो बेसिकली हम इंटीरियर की जानी आ चुके हैं तो इंटीरियर आप पहले इसका डोर बेल दिखा दें, डोर की कंडीशन आप देखें तो बाकी आप हैंडल पे आ जाए तो हैंडल के मीटर वगैरह आप इसका दिखाएं, मीटर की कंडीशन कुछ इस तरह से आपको देखने मिलती है। बाकी अगर इसकी बात करें सीटों की तो सीटें वगैरह आप देख सकते हैं, सीटें काफ़ी अच्छी हालत में और न्यू स्टाइल में बनी हुई। बाकी बैक रूम की दिखा बात करी जाए तो रूफ पहले आप देख लें, बाकी बैक रूम पे आ जाते हैं तो बैक रूम की कंडीशन आप देख लें कुछ इस तरह से, पहले आप फर्श वगैरह देख लें और बैक सीट और फैन वगैरह आपको इतने अवेलेबल हो जाते हैं। और बाकी चलते हैं ऑनर की जानिब आपको डिटेल बताते हैं क्या डिमांड कर रहे हैं, CPLC वगैरह कितना है क्या है, तो चलते हैं ऑनर की जानिब। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर। अपनी गाड़ी की कुछ डिटेल बताइएगा। 91 मॉडल है भाई, CPLC इंजन, ये इंजन बनवाया है मैंने अभी। सही, बाकी बॉडी वाइज आपके सामने। अच्छा सर इसकी मुझे कराची नंबर ही है? हाँ कराची नंबर। CPLC वगैरह सब कुछ, एक्सेस वगैरह सब कुछ क्लियर है? सब क्लियर है इसके। सही। अच्छा सर इसमें सिस्टम वगैरह कुछ लगा हुआ है? सिस्टम एम वगैरह कुछ? एम साउंड लगा हुआ है। सर इसकी जो मतलब फाइनल डिमांड क्या कर रहे हैं? फाइनल 330 मैंने मांगे, 310 फाइनल है मेरे। सही, यानी कि सर अभी आपकी तरफ से ये गाड़ी ओके चलाने वाले वो बिल्कुल ओके काबिल है? बिल्कुल ओके। सही सर अपनी फाइनल डिमांड बता दें, कितनी डिमांड बताई आपने? 310 फाइनल। 310 फाइनल है सर। अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिएगा और ये बताइए गाड़ी कहाँ देखने मिलेगी? सर जानी 2 मिनट चुरंगी हुई मदिया वाले रोड पे देखने की मिलेगी। सही, बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0312-839-8710। ओके सर बहुत बहुत शुक्रिया। सो यूवर सर हमें एक और गाड़ी मिल चुकी है 2011 मॉडल सुजुकी बोलान, जो बाहर से हल्के पुल्के टचअप है और कंडीशन वाइज अगर बात करी जाए तो आपको यहाँ पर स्क्रैच हल्के पुल्के स्क्रैच आपको देखने मिल जाते हैं। अगर साइडों की बात करी जाए तो साइड आप कंडीशन आप देख सकते हैं, साइडों की कंडीशन आप देखी जाए तो हल्के से थोड़ा कलर उतरा हुआ, बाकी टायरों की कंडीशन आप देखिए काफ़ी अच्छी हालत में टायरों की कंडीशन। और साइडों की बात करी जाए तो कहीं आपको स्क्रैच इतना माइनर से स्क्रैच है और कोई आपको इतना कोई कलर वगैरह जैसा आप यहाँ पर दे सकते हैं कुछ इस तरह से हल्का पुल्का कलर ख़राब हो रहा है, बाकी अच्छी हालत में गाड़ी। अगर बैक की बात करी जाए तो बैक की कंडीशन आप दे सकते हैं, बैक से काफ़ी बेहतर हालत में आपको देखने मिल जाती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर बात करी जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपको माइनर से स्क्रैच आपको देखने मिलते हैं। अगर इसके इंटीरियर की बात करी जाए तो इंटीरियर पहले आप इसका डोर देख लें, डोर की कंडीशन आपको इस तरह से मिल जाती है, बाकी पिलर पर आप आ जाए तो पिलर की कंडीशन आप देख लें, बाकी इंटीरियर आप देख सकते हैं, मीटर वगैरह आप देख लें इस तरह से आपको देखने मिलता है। बाकी चलते हैं ऑनर की जानिब, पहले आप बैक रूम देख लें, बैक रूम की कंडीशन आप देख लें, सीटें काफ़ी न्यू स्टाइल में लगी हुई, रूफ वगैरह आपने देख ली और फर्श भी आप देख सकते हैं। और बाकी आप इसकी सीटें देखें काफ़ी न्यू स्टाइल में और अच्छी सीटें बनी हुई, बाकी इसका फर्श वगैरह भी आपने देख लिया। बाकी चलते हैं ऑनर की जानिब आपको डिटेल बताते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? सही है सर। अपनी गाड़ी की कुछ डिटेल बताइएगा। गाड़ी बस 86 डिमांड है और बाहर से टचअप है सर। मॉडल 2011 बाहर से टचअप है। हाँ तो
सीपीएलसी वगैरह टैक्सेस वगैरह सब कुछ पेड है, क्लियर है, क्लियर सब कुछ क्लियर है, सिस्टम वगैरह लगा हुआ इसमें, हां क्लियर है, एम लगा हुआ या सिस्टम लगा, स्पीकर लगे हुए हैं, स्पीकर लगे हुए, स्पीकर लगे हुए हैं। सर इसकी फाइनल डिमांड बताओ, फाइनल जिसमें छोड़ने वाली डिमांड, बस पहले तो 7 डिमांड थी, सही, अब 680 कर, मार्केट के हिसाब से 680 पे आ गए, हां। अच्छा मुझे अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करो और कहां देखने मिलेगी ये गाड़ी बताइएगा। ये 303 और इसका कांटेक्ट नंबर आप सुन ले, 03025987209, आई रिपीट 03025987209। बाकी सर अपने कहाँ देखने मिलेगी गाड़ी? लाइन्स एरिया, जर्मन होटल। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बाकी आपको ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव आपको इस चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी। आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट व्लॉग आपको किस गाड़ी पे चाहिए। बाकी हमारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी ना, आप लाहौर नंबर और इस्लामाबाद के नंबर पर आप गाड़ियाँ हमें कवर करके दिखाएं, लेकिन आप चेक करें गाड़ी, लेकिन कोई लाहौर नंबर की गाड़ी तो माजरत के साथ। बाकी नेक्स्ट संडे आपको मैं कवर करके दिखा दूँगा कि ना आपको लाहौर नंबर गाड़ी है या नहीं है। बाकी आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर जिसको गाड़ी की नीड है। बाकी मिलते हैं आपको किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।